असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? कराइए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ बाबा जी। तो सुनाएंगे आपको सस्ती शायरी के अर्ज किया है। नहीं मिलता तुझे चिकन तो बार बार ट्राई कर, वाह 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 वाह। पांच बार बोलो वाह 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 वाह। कि नहीं मिलता तुझको चिकन तो बार बार ट्राई कर, अनोनिमस की पब्लिक जल्दी से करवा दो, अनोनिमस के 1 मिलियन सब्सक्राइबर। कुछ ज़्यादा ही सस्ती और अपने सब्सक्राइबर वाली शायरी विद अनोनिमस। तो गाइस, मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि डक्की भाई का भी एक चैनल है जो आपको पता होगा, उनके भी 1 मिलियन होने वाले हैं उस पर और मेरे भी होने वाले हैं। तो ये एक तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा है। वो मुझसे बहुत अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं और मुझसे बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला चैनल हो गेमिंग चैनल जो पाकिस्तान में 1 मिलियन कम्प्लीट करे। तो उसके लिए ना वो आप लोगों के प्यार के बगैर नहीं हो सकता। आप लोग एक आर्मी हो मेरी और मुझे पूरा यकीन है कि आप कैसे भी करके ना मेरे करवा दोगे। तो पकड़ो अपने दोस्तों को, चाचू मामू खाला ताया अम्मी दादी आंटी पुप्पो चाची जो जो मिलते हैं उन सबको पकड़ के उनके मोबाइल से उठा के सब्सक्राइब ठोक दो। और इस रेस में प्लीज़ देखो, एक अचीवमेंट है ना आपके एनोनिमस के लिए कि उसके सबसे पहले 1 मिलियन हो रहे हैं। पाकिस्तान का पहला गेमिंग चैनल हो जाएगा 1 मिलियन वाला, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़े एजाज़ की बात होगी। तो अगर आपको लगता है ये मैं डिज़र्व करता हूँ तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो 1 मिलियन करने में। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आपके लाइक करने से भी वीडियो ट्रेंडिंग में आएगी, उससे भी हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे, शेयर करने से भी हमें मिलेंगे। तो प्लीज़ जो जहाँ जितना आप कर सकते हो करना। तो एनोनिमस की पब्लिक बात रही कि गेम कैसे खेल रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आप ना अभी पबजी की, मैं अब थोड़ी सी अपडेट आपको देता हूँ कि पबजी का केस हुआ था वो आपने देखा अभी सामने बंदा उतरा, ठीक है। पबजी का जो केस चल रहा था वो हमारे हक में ऑलमोस्ट फैसला आ चुका है। लाइक जैसी न्यूज़ आई थी ना, जज ने काफ़ी कुछ कहा था पीटीए को कि आपको ऐसे बैन नहीं करना चाहिए था और काफ़ी बातें हुई थी। तो उसके हिसाब से केस जो है ना वो 99% हमारे हक में है और जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया था। फैसला महफूज करने का मतलब ये होता है कि उन्होंने फैसला कर लिया, लिख लिया, लेकिन वो फ़ौरन से अनाउंस नहीं करते। तो वो 2 से 3 दिन लगेंगे एनोनिमस की पब्लिक, और वो 1 दिन भी हो सकता है, 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। तो उसके अंदर फैसला आ जाएगा और इंशाल्लाह पबजी वालों के हक में, हमारे हक में आएगा एनोनिमस की पब्लिक और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी वो पबजी की न्यूज़ जो मतलब अभी आपको बतानी थी। अब यहाँ पे बंदा आया था, मैं उसको ढूंढने आया। तो पहले मैंने राइट में देखा वाटर सिटी, वहाँ नहीं था। उसके बाद देखा मैंने लेफ्ट में, मतलब 170, मतलब जहाँ पे मैंने किया है बाबा जी मार्क, और वो मामा हीरदा ऊपर घर में जाके कर रहा है लूट मज़े से। ऐसे कैसे बाबा जी, हम ऐसे कैसे आपको लूट करने दे सकते हैं। बम पे हमने अपने पिछवाड़े पे लगा रखा है तवा, DP 28 DP। जब एनोनिमस चलाता है DP तो हाई होता है एनिमीज का BP। अजीब अजीब सी बातें विद एनोनिमस। आपका एनोनिमस लेके जा रहा है अपने DP एनिमी की तरफ। आहा हा, देखो एम ऊपर, लेफ्ट राइट और तवे के मज़े हैं। तवे का एक फ़ायदा है कि हमारे बम पे ना, हमारे बम पे सूरज की धूप नहीं लग रही, और तवा जब वो गर्म हो जाएगा फिर बाद में आप उसको उतार के इसमें अंडा फ्राई कर सकते हो पब्लिक। अंदर बंदा था, भाई को नॉक किया। अब एक बात मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, मैं इसीलिए खेल रहा हूँ ताकि बैन होते ये वाला अकाउंट हो। आप अपना मेन अकाउंट यूज़ मत करना अगर आप कुछ VPN वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो मेन अकाउंट यूज़ नहीं करना। मेन अकाउंट मैंने बिल्कुल नहीं किया। जैसे अनबैन होती ना गाइस, मेरा इरादा कि डुओ में ना TPP में कॉन्करर करूँगा। तो फिर अगर किया तो आपको सारे मैचेस दिखाऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि कॉन्करर कैसे कर सकते हैं इजीली। तो इस बंदे ने मेरे टीममेट को काफ़ी टैग दिया था, तो मैंने दूर से इसको नॉक किया, ये फिनिश हो गया। इसको ब्लीड, इसका कोई टीममेट था नहीं तो ये बेचारा ब्लीड आउट हो जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी बॉडी लूटने के लिए आ जाता हूँ क्योंकि बाबा जी लूट का नो मजाक। व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप टैप टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। और जब मैंने 3 बार टैप टैप बोला था ना, आपने आगे बोल दिया था इसका लूट का नो मजाक, काफ़ियों ने बोला होगा, बट मैंने दोबारा से टैप 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 बोल दिया था। बेस्ती हो गई, हर बार एनोनिमस की बेस्ती होती है, इस बार एनोनिमस की पब्लिक की बेस्ती हो गई। वाह 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 वाह। आ गए थे हम अपने पचिंग की यानी पिंडी यानी एनोनिमस के घर के पास यानी एनोनिमस हाउस के पास से हमने बगी गुजारी, छिपकली गुजारी, और यहाँ पे हो जाती है फायरिंग और ज़िंदगी थोड़ी सी खतरे में आ जाती है। एक बंदा नज़र आया सामने तो उसने काफ़ी डैमेज दे दिया था गाइस, मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है। सामने बगी आई है, अब इसको टैग लगा ये, लेकिन ये नाले में गिर जाता है। बगी भी नाले में गिर गई, 2 बंदे थे ये, दोनों के दोनों नाले में। दूसरी साइड में मेरी टीममेट फायर लेने, तो मुझे उससे जाने की जरूरत नहीं है। एक नेड निकाला, यहाँ पे नेड फेंकेंगे और ये बेचारा देखना गाइस कैसे नेड से भरता है। ये नेड फेंका, दूसरी साइड गया, DP निकाली, वो नेट के ऊपर जाके गिरा सीधा और नॉक हो गया। तो गाइस यहाँ पे मैंने फायरिंग रोकी नहीं और एम जो है ना वो फायरिंग करते करते बंदे पे लेके गया। एक बंदे को मैंने डाउन किया, एक को मेरी टीम ने डाउन किया, बाइक पे अलग थे। अब नीचे 2 बंदे हैं,
जो कि एक नेट से नॉक है और दूसरा वहीं पर है। पल पर फिलहाल मेरे पास जो वो हीलिंग नहीं है, हेल्थ नहीं है, सॉरी हेल्थ नहीं है, हीलिंग तो है। तो पहले अपनी हेल्थ पूरी करेंगे और हमें रश करना है नीचे की तरफ। मुझे नज़र नहीं आया वो बंदा कहाँ है, वो था दरख्त के पीछे, जो मुझे आगे जाके पता चलेगा। वो देखो गाइस, मुंडी निकाली और लेट हो गया तब तक, शुक्र है मैं नीचे जंप कर गया था। अभी बेचारा अपने टीममेट को बचाने आ रहा था, लेकिन काफ़ी गड़बड़ हो गई बाबा जी, और हमें मिल गया इनका क्रेट लूटने के लिए, टैप 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 टैप, क्योंकि बाबा जी लूट का मजाक। सारे लॉ याद रखने, हमारा तीसरा लॉ मैं आपको मतलब बहुत ही कम बोला तो शायद सबको याद नहीं है, वो है जब लगती है सुई, नहीं पता नहीं क्या था, जब लगती है सुई आवाज़ आती है आग करके, हाँ जब लगती है सुई तो आवाज़ आती है आग करके, अपने टीममेट्स को फाड़ो गैस कैन और नेट से ठाक करके। ये था थर्ड लॉ ऑफ एनोनिमस। तीन लॉ हो चुके हैं, इंशाल्लाह 1000, 1500, 2000, 3000 लॉ बनाएंगे अपने। बग्गी छिपकली उठा के मज़े से जा रहे थे हम ड्रॉप पे, क्योंकि बाबा जी वहाँ पे हमें मिलेगा खोपड़ा, लाइक हेलमेट, 70 का हेलमेट मिलेगा हमें, और एक जैकेट मिलेगी हमें, जर्सी, स्कूल की जर्सी मिलेगी, और एक हेलमेट मिलेगा जो हमने जल्दी जल्दी उठा लिया। और हमारी पहली मोहब्बत AWMBI आई है बाबा जी, काफ़ी दिन बाद रैंगल देख रहे हो, मैं भी रैंगल काफ़ी दिन बाद खेल रहा हूँ, तो काफ़ी लो लेवल प्लेयर्स हैं। मैं आपको दोबारा से उसकी वजह बता रहा हूँ कि ये हमारी मेन आईडी नहीं है, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है, मुझे भी आ रहा था, इसलिए मैं खेल रहा था बाबा जी। और यहाँ पे बगी से बंदा उतारा डी शीप मैन 1 2 3। अच्छा तो ये शीप मैन है, शीप मतलब भेड़े, भेड़े मतलब कारोबार कर रहा है, ईद आने वाली है, भेड़े छेड़े बेच के पैसे कमाना चाह रहा था, ऐसे तो नहीं होता है। हमने उल्टा इसकी भेड़े छेड़े उठा ली इसकी क्रेट में से, और अच्छी खासी लूट है हमारे पास। और यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करते हैं, इतनी देर पीछे से आ जाएगी एक और बगी बाबा जी। अगर अभी तक लाइक बटन नहीं ठोका तो ठोक दो गाइस लाइक बटन, और यहाँ पे बगी आती है। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी कि मैं उस बगी को ना ओम से मार रहा था, अगर मैं यहाँ पे M4 निकालता, सॉरी मैंने यहाँ पे अच्छा ट्राई किया कि शायद टिकटॉक टिकटॉक बन जाए, बेइज्जती हो गई। यहाँ पे मैंने स्प्रे दिया, धुआं तो बहुत निकलने लगा, टायर वायर उसका फट गया, बट डाउन नहीं हुआ बंदा। अगर मैं पहले ओम से ना मारता तो वो शायद डाउन हो जाता। फिर हमने अपनी चिपकली उठाई और अपने टीममेट को लिया और दुड़की लगाएंगे, जाएंगे इस बंदे के पीछे, और वहाँ देखना मेरे साथ प्रैंक हो गया। आप लोग देखते होंगे, लाइक बहुत से लोग बोल रहे थे एनोनिमस पेड़ नहीं खेलता ब्ला 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 ब्ला, बट एनोनिमस की पब्लिक को पता है। अब ऐसे हज़ारों सीन होते हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि मैं आप सामने बंदा हो तब भी मिस कर देता हूँ। गाइस देखना, मुझे लगा वो सामने रेड वाले घर में, हालांकि फुटप्रिंट भी आए थे, मैं नोटिस नहीं किया, सामने जा रहा था, अचानक से इसने गोलियां मारी और मेरी ज़िंदगी खतरे में आ गई। किन करो, इतनी तेज़ तेज़ दिल की धड़कने हो गई थी ना, और शुक्र हमारी टीममेट ने हमारी जान बचा ली, वरना हम नॉक होते ना तो फिनिश करता पूरा। उसके बाद इसकी की लूट बाबा जी मज़े से। उसके बाद बाबा जी यहाँ पे थोड़ा बूस्ट वगैरह मारेंगे और फिर बगी उठा के अपनी छिपकली उठा के हम लोग निकले, और जैसे ही आए पोचिंग की यानी पिंडी में, बाबा जी स्टन ग्रेनेड गाड़ी रखे हुए लेफ्ट में, कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी, क्रेट वगैरह पड़ी थी सामने, हो रही थी गंदी वाली फाइट, एक दूसरे को जूते चप्पल डंडे मार रहे थे लोग, तो हमने इस भाई को डाउन किया। 4444 ब्रो, वाह ब्रो भी उर्दू में लिखा हुआ, नाइस नाइस नेम ब्रो, वेयर इज योर टीममेट ब्रो 4444। एक बंदा आगे गाड़ी में बैठ जाएगा, और भाई जैसे हमने तो आपको देखा नहीं कि आप गाड़ी में बैठे, कान के नीचे लगाया नॉक किया भाई को। अब मज़े से आगे की तरफ जा रहा हूँ मैं, पीछे बॉट आया था तो पहले बॉट को मारेंगे कि बाबा जी किल का नो मज़ा, केड़ी ज़्यादा करना है तो बॉट को मारो, ये और यहाँ पे देखना। अब बताओ किल कौन चुराता है, ये बताओ, अब मुझे बताओ किल कौन चुराता है। फिर आप लोग बोलते हो कि एनोनिमस किल चोर, तो हर जगह कॉमेडी किया करो, स्टारडियो किल चोर नॉट एनोनिमस किल चोर, एनोनिमस इज़ वेरी, और जो बंदे जाके बोलते हैं ना स्टार डीओ की पब्लिक, यू आर वेरी वेरी, मैं क्या बोलूँ, आप अनोनिमस की देखो फैन किसी के भी बन जाओ, जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं आप ये बात याद रखो, फैन किसी के भी बन जाओ लेकिन पब्लिक सिर्फ अनोनिमस की, ये बात बस नहीं समझ सकते आप, दिल दिल मिलते हैं ना, हमारे दिल आपसे मिलते हैं, आपके दिल हमसे मिलते हैं, तो पब्लिक सिर्फ अनोनिमस की। ड्रॉप पे ये गाड़ी आई थी बाबा जी, हमने इसको सिर्फ काफ़ी गोलियाँ मार के धुआं निकाला, उसके बाद वो जाके दूर रुक गई और हमने दुड़की लगा दी भाई कि चेस करेंगे आगे जाएंगे। गाड़ी वाड़ी हमारे पास थी नहीं, और आप देख सकते हो मेरे पास एमओ भी 5.5 का सिर्फ बचा था 40, तो यहाँ पे हमने ऑग से एमओ चेंज किया और थोड़ा सा टीममेट से मांगेंगे, और जल्दी जल्दी यहाँ पे टैप टैप करके मैं सामान उठा रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो जो है ना एक एक विंडो पकड़ के मुझे ड्रॉप के पीछे से निकलने दे, क्योंकि ये लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। ये देखो गाइस गंदा दिया मुझे काफ़ी, और मेरी हेल्थ कम हो चुकी है, हेलमेट मेरा गया, स्नाइपर चला रहे थे वो भी 4x है तो काफ़ी अच्छा चला रहा था। और उसके बाद मैं यहाँ पे हील पूरी करूँगा, और मेरे पास एमओ भी नहीं थे तो मैंने टीममेट से पूछा था कि एमओ है तो दे दीजिए प्लीज़, वरना हमारी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी, तो हमें एमओ भी मिल गई थी। उसके बाद बाबा जी हेल्थ पूरी करने के बाद हम यहाँ पे एमओ वगैरह उठाएंगे, एमओ उठा के थोड़ा सा आगे
पैदल रश करेंगे और एकदम ओपन नहीं है, इसलिए मैं रश भी कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि साइड से जगह है। यहाँ पे हमारे टीम मेरी कान के नीचे गोली लगी और वो नॉक हुए, तो हम उनको करेंगे रिवाइव वापस से और अपना सफ़र रश करने का आगे की तरफ जारी रखेंगे। ज़्यादा लाइफ तो नहीं बचे गाइस, 11 हैं जिसमें से 9 बंदे वो हैं और 2 हमें। कान के नीचे लगाया, काफ़ी रुकना पड़ा मुझे, उसकी वजह ये है कि 4x जो है आपको पता है ये स्प्रे के लिए सेट किया होता है और सिर्फ 8x में स्नाइपिंग के लिए करके रखता हूँ, जो कि अगर आप स्नाइपिंग कर रहे हो ना किसी स्कोप से तो उसकी सेंसिटिविटी गाइस कम करके रखो, अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हिलेगा और आपको हेड पे या बंदे के ऊपर एम करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको स्प्रे के लिए सेट किया हुआ था, इसलिए मुश्किल हो रहा था। एक नेड निकाला घर में फेंकेंगे और यहाँ पर मैंने ना इनके ऊपर इतने नेड कर दिए, दोबारा से टीममेट नॉक हैं, इतने ज़्यादा इन पर नेड कर दिए कि उनको लग रहा होगा शादी वादी हो रही होगी मोहल्ले में। 2 नेट फेंके कोई भी नहीं फटा, तीसरा नेट फेंका कुक करके वापस से वहीं पे और कान के नीचे गया, नहीं ये बम के नीचे गया सॉरी, फिर एक और नेट निकाला लेकिन वो देखो सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, आप यहाँ पर हो, फिनिश किया भाई को और अब जाके टीममेट को बचाया जाएगा क्योंकि ऐसे नॉक नहीं छोड़ सकते। ओपन है तो लाजमी स्मोक करो गाइस, बेशक बंदे हैं या नहीं है, अगर आप ये भी कह रहे हो ना कि सबको मार दे बंदे नहीं हैं और ऐसे रिवाइव दे रहे हो तो वो भी गलत है, स्मोक लाजमी किया करो क्योंकि अगर आपके आसपास बंदे हैं उनको पता चल गया कि फाइट हो रही है वो आपकी फाइट वाली जगह पे आ जाएंगे और आप ओपन में रिवाइव दे रहे होगे तो आपकी बैंड बच जाएगी। उसके बाद बाबा जी हमने यहाँ पर लूट की क्योंकि लूट का नो मजाक, व्हेन यू सी द क्रेट जल्दी जल्दी लूट उठाओ, मतलब हर बार थोड़े बोलूँगा कि टैप 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 अजीब हो जाता ना। और गाइस ये करके दिखाओ, चैलेंज है आप सबको, चैलेंज है ये करके दिखाओ, नहीं वैसे बड़े घटिया चैलेंज है, सब करोगे मत करना, आपका रैंक वायरस हो जाएगा क्योंकि इतनी कम हेल्थ हो ना तो गाड़ी कहीं पर ठुक भी जाए तो जो है ना बैंड बच जाती है। फिर एक और ड्रॉप उठाने थे गाइस, इस गेम में मैंने इतने ज़्यादा ड्रॉप ओपन किए क्या बताऊँ मैं, तो हमें यहाँ पे एमओ नहीं चाहिए थी इतनी ज़्यादा ओम की, तो हमने गिरा दी कि भाई लो लो आज हम बड़े खुश हैं, आप जितनी चाहिए ओम की एमओ उठा लो आज, बस हमारी खुशी की इंतहा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैं वाकई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमारे 1 मिलियन होने वाले हैं, ट्राई करूँगा कोई स्पेशल वीडियो बनाऊँ कि आप सब जो है ना 1 मिलियन की वीडियो देख के खुश हो जाओ। तो गाइस उसके बाद हम आ गए थे टॉप पे जो कि जोन के एकदम मिडिल में जगह है, नो अलाइव थे और ये देखो आहा ऑफलाइन खड़े हैं और यहाँ पे ना इनको देख के मुझे वो गाना याद आ गया था कि इनके पाँव में मेहंदी लगी है आने जाने के काबिल नहीं है, सस्ता गाना विद एनोनिमस, लॉल वेरी वेरी सस्ता गाना विद एनोनिमस, और ऑफलाइन है ना तो हम ये गाना गाया करेंगे। ये भाई ड्रॉप पे आ रहे थे गन पीछे रख के, नहीं मतलब क्या ओ भाई मारो मुझे मारो, गन पीछे रखी है भाई ने, दुड़की लगा के ड्रॉप लूटने आ रहे हैं जैसे भाई हमें तो पता नहीं है कि आप आ रहे हो, कितनी बुरी बात है। फिनिश करेंगे भाई को, ओहो हो स्नाइपर वनाइपर उठा रखी है, बैक की स्किन देखो येलो वाली, फिनिश किया। अब गाइस काफ़ी कम अलाइव रह गए थे, सिर्फ 5 अलाइव हैं और यहाँ पे हमें एक ऐसी महान हस्ती नज़र आएंगे जो थोड़ा सा ट्रोलिंग कॉन्टेंट बना रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, उस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट्स में दोगे और आपको देना ही पड़ेगा। ये देखो बंदा नज़र आया, ठीक है ये कैसे लेटा हुआ है, इसको इसने ना मुझे देख लिया था, ठीक है पहले मैंने माकर के टीममेट को बताया और साथ में बोल दिया था माइक पे कि इसको प्लीज़ मारना मत, मैं थोड़ा सा ट्रोल करना है, उसने मुझे देख लिया गाइस, ठीक है और मैं दरख्त की कवर लेके थोड़ा इसके क्लोज जाने का इसको ट्रोल करने का ट्राई करूँगा। अब मैं आप लोग को सबको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है सबके सब कमेंट करके मुझे बताना कि ये हुआ क्या था, टीपी पिल्ली और फिर मैं फ़ौरन से एंगल बना के इसके पासवर्ड दरख्त पर चला गया। अब ये देखो इसकी गन कहाँ है, ठीक है ऊपर की तरफ देख रहा है ये बंदा BSS से, और मेरे टीममेट कहाँ है मेरे बैक वाली साइड पे, और ये बंदा ऊपर मारते मारते पीछे टीममेट को नॉक कर देगा, ये देखना ये इसका एम ऊपर है, ठीक है देख भी ऑपोजिट साइड पर है, मेरे टीममेट मेरे बैक साइड पे है, उसकी गन वाली साइड पे नहीं है, वो देखो ऊपर उसने मारा और टीममेट नॉक हुए पीछे, मतलब इसने क्या किया मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बताना है, कौन सी ट्रिक है या ये क्लिच था या क्या था मुझे समझ नहीं लगी, मुझे लगा टीममेट को किसी और ने नॉक किया तो मैं उसको फिनिश करके यहाँ पे रिवाइव देने आ गया, और काफ़ी शॉकिंग था, नहीं मतलब ये हो क्या गया, रिवाइव दिया बाबा जी। उसके बाद हमें यहाँ पे बंदे नज़र आते हैं, मेरे टीममेट को आते हैं, इन्होंने बताया, मैं पूछता हूँ बंदा कहाँ, बताएंगे नहीं, फिर बोलते हैं कि भाई किल चोरी कर लेते हो, फिर किल ही चोरी करूँगा, बता दिया करो बंदे कहाँ तो सारा किल मुझे मिलेगा, लेकिन बताने हैं नहीं बंदे कहाँ, सीधा बोलते हैं हम नहीं बताते हमें किल चाहिए, ओके भाई। तो ये बंदे नज़र आए गाइस मुझे, और उसके बाद मुझे गंदी वाली छौड़ी पड़ गई थी, और अब मज़े की बात बताऊँ, एक तो रात हो रही है, मैंने घर में खिड़की विंडो बंद कर रखी है, दरवाज़ा बंद कर रखा, और मैं पसीने ऐसे जाने जैसे बंदा नहा के आया होता ना, फिर मैंने नेट की बरसात कर दी बाबा जी ऊपर की तरफ, और अब आप जाके फ़नी सीन देखोगे, मैं पहले बोल दूँ लू का रैंक कम था तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन फ़न के लिए था, तो मैंने पैन निकाल लिया और अब जाके देखोगे 3-3 बंदे वहाँ पे, 2 नॉक पड़े होंगे एक रिवाइव दे रहा होगा, तो फ़नी सीन हो गया था बहुत ही ज़्यादा ये, तो
वाह 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 वाह, ये अरे मर जा भाई, गोली नहीं मार रहा हूँ मैं, रिवाइव नहीं छोड़ूंगा। लॉयल विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइज उसके बाद हमने लगाया टीडीएम और अपना बम जमीन पे घिसते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने इस बार क्या उठाया था, एक M4 और एक M24, ना सिर्फ M24 ना सिर्फ M4, दोनों मिक्स उठाई थी कि मजा आए। पहला किल किया यहाँ पे, 5 किल ऑलरेडी हमारे हो चुके थे, अब 6 हो चुके हैं। और फिर मुझे रेस लग गई थी, मेरे काफ़ी टीममेट अच्छे मारे थे, तो वो देखो नंबर 2 तो भाई नोक के 3 किल हो चुके हैं। मुझे चैलेंज हो गया था भाई कि MVP आना है, तो यहाँ पे हम MVP आने का चैलेंज पूरा कर रहे थे। 3 किल हमने किए, ये भाई ने तो एकदम डरा दिया, वापस आए। और यहाँ पे गाइस देखना ये वाला किल हेल्थ का है, ठीक है। ये बाबा जी ऐसे कैसे, आप लोग TDM का किल मुझे कमेंट करके बताना, टाइम के हिसाब से, वीडियो के टाइम के हिसाब से, कि TDM में आपका फेवरेट किल कौन सा था। तो यहाँ पे हमने 5 किल कर लिए, 1 की 5 की स्ट्रिक जा रही है, 1 की 4 की जा रही है, दूसरे की भी 4 की जा रही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट किल कौन सा था। तो यहाँ पे भाई हमने कर लिए थे 6 किल, 6 की स्ट्रिक जा रही थी। और फिर मैं थोड़ा सा आगे आया, जब देखा खतरा है, काफ़ी ज़्यादा बंदे और ये स्पॉन होकर आते हैं, तो इनको गोली भी नहीं पड़ती, वापस से पीछे आ गए। कान के और नहीं लगा, बेस्ती हो गई। रुक जा भाई रुक जा, वो मिस हो गया। ओहो, रीलोड हो रही है, रीलोड कर लो भाई, हमें तो पता नहीं आपकी रीलोड लगी है। वापस भागो ना, रीलोड भी कर रही है और आगे भी आ रहा है बंदा, नहीं मतलब क्या सिल्वर वाले भैया, ठा करके लगाया, बेस्ती हो गई। ओके यहाँ हमने लेट के कैसे ना कैसे करके इस बंदे को मार दिया, थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। ये जो ब्लू वाला है तो बाहर ही नहीं आ रहा अपने घर से, इतना डरा हुआ है बेचारा। भाई डर ख़त्म करोगे ना गाइस, तभी आपकी गेम अच्छी होती है। और यहाँ देखो मैंने इस बंदे को कितना मारा, जब तक मेरी रीलोड नहीं लगी ये मरा ही नहीं, और मेरे मरने के फौरन बाद मर गया। और ये भी अच्छा किल था, मुझे थोड़ा सा पसंद आया था गाइस, 2 किल। और ये ओके सॉरी अब तो मरेगा ही मरेगा, पक्का मरेगा। ओके शुक्र है मर गया। तो यहाँ पे हमारे 12 किल हो चुके थे, ये हुए हमारे 13 किल। गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताना आपका फेवरेट किल कौन सा था। और फिर बाबा जी हम बंदे ढूंढ रहे थे, ये लगा 14 किल, सिर्फ 4 किल चाहिए हमें उनके। गाइस देखो सिर्फ 6 के 6 किल हम बस चाहिए हैं, ये हो गए 15 किल, 6 की स्ट्रीक, 7 की स्ट्रीक, आखिरी किल चाहिए। ये शॉट में मार देता तो मर जाता, बट मिस हो गई और सिल्वर वाला भैया हमारे पीछे पड़ गया। बाबा जे 17 किल और हमें मिल गया MVP। तो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके इसके बाद कमेंट्स में बताना। और अगर मेरी एक बार आपको बुरी लग गई ना, तो प्लीज़ मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। बाकी ऐसे ही प्यार करते रहना है और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक। 1 मिलियन होने वाले हैं हमारे, 1 मिलियन। और मैं ट्राई करूँगा ऐसा सेटअप करूँ कि आगे आने वाले टाइम में मैं कॉमेंट्री के साथ जो है ना फेस कैम करूँ, फेस कैम के साथ कॉमेंट्री करके वीडियो करूँ, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कॉमेंट करके बताना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।